भानु प्रताप जी, मुझे ये बताएं कि 18,150 वोटों से जिग्नेश मेवानी जीते हैं, तो इसकी जीत को आप किसको श्रेय देते हैं? इसकी जीत का श्रेय जो गुजरात की जनता है, वो दलित, जो बैकवर्ड और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, और उन सबसे बढ़कर जिग्नेश जी ने जो वहाँ इस समाज के लोगों की आवाज बने हैं और आंदोलन खड़ा किया है, मैं उसको इसकी जीत देता हूँ। साथ में मैं इसकी जीत कांग्रेस को भी देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 1950 के बाद से लगातार कांग्रेस एक बार को छोड़ के वहां जीतती रही, और कांग्रेस ने जिग्नेश के पक्ष में अपने कैंडिडेट को वहां से विड्रॉ किया, इसका श्रेय मैं उनको भी देना चाहूंगा। मैं आपको बताऊं कि जिग्नेश मेवानी के लिए बीजेपी का कहना था कि उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी यहाँ पर, और वो आज 18,000 वोटों से जीते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बीजेपी का है उनका प्रचार का एजेंडा हमेशा नकारात्मक रहता है, और ये उसकी हताशा में है। अभी बीजेपी को मालूम नहीं है जिग्नेश मेवानी की केवल जीत नहीं है, ये उस आंदोलन की जीत है जिसको जिग्नेश लेके चल रहे हैं, और जिग्नेश के साथ साथ और भी कई साथी पूरे देश में लेके चल रहे हैं, और इसका नजारा बीजेपी को 2019 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें दिखाई देगा। जिग्नेश मेवानी एक दलित परिवार से हैं, और उन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले बोला था कि इलेक्शन मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, अपने भाइयों के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहा हूं। तो क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज के होने के नाते वो आगे भी इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे? निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जिग्नेश न केवल अपनी बात पर कायम रहेंगे, बल्कि हमेशा दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, और जो जरूरतमंद लोग हैं जिनकी आवाज को दबाया जाता रहा है, हमेशा उनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे उन साथियों के साथ में जो इसी तरह के आंदोलन को देश भर में चला रहे हैं। और ये जीत, जिग्नेश मेवानी की जीत, उस आंदोलन की जीत है। आप राष्ट्रीय जनहित विरोधी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उसके लिए आप शुभकामनाएं देंगे या क्या कहेंगे जिग्नेश मेवानी के लिए? निश्चित रूप से मैं जिग्नेश जी को पूरे मन से, सच्चे दिल से उनको बधाई दूंगा, उनको हार्दिक बधाई मैं दूंगा, मैं दे भी रहा हूँ। मेरी टीम के जो साथी हैं उन्होंने उनको बधाई भी दी है, और अभी मैं ट्वीट करके उन्हें बधाई भी देने वाला हूँ, खुद उनसे बात करके, क्योंकि अब वो बाहर आगे होंगे, तो उनसे बात करके मैं उनको बाकायदा बधाई दूंगा। और ये हमारे लिए और ऐसे आंदोलन करने वाले सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, और आपके माध्यम से ही मैं जिग्नेश जी को इस बहुत अच्छी जीत पर बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो वहां गया था, मैंने तो देखा उनके प्रचार में मैं गया, जिस तरह का लोगों ने उनको दिल से उनका सम्मान किया, और इतनी भीड़ जो उनकी केवल गांव-गांव में जिस तरह की भीड़ उनके साथ में थी, वो जीत तो उनकी उसी दिन निश्चित हो गई थी, आज तो केवल परिणाम आया है। तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, और बड़गांव की जनता को पूरे दिल से बधाई। वकील साहब, मैं आपको बता दूं कि पूरे इस जीत के पीछे कहीं ना कहीं श्रेय आपको भी जाता है, क्योंकि जिग्नेश मेवानी के ऊपर जब पथराव हुआ था, तो उस पथराव के लिए आपने एक आंदोलन करा था जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़े थे। नहीं देखिए, ये आपका आपको बड़प्पन है, आपको धन्यवाद, वहाँ जनता को, जिग्नेश जी को धन्यवाद, लेकिन हमारा बहुत सिंपल सा है कि अगर दलित आंदोलन, ये जो अल्पसंख्यक का आंदोलन है, ये जो जिनकी आवाज को दबाया जाता है, उस तरह का आंदोलन अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है, कोई लड़ाई लड़ रहा है, उस पर हमला होता है, तो वो पूरे समाज पर हमला है, वो बहुजन समाज पर हमला है, और बहुजन समाज पर जहां भी हमला होगा, हम उसकी आवाज पुरजोर तरीके से उठाएंगे। आपने हमारी बात को सराहा है, हमारे इस बात को आपने जो है जगह दी है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भानु प्रताप जी, एसएम न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।